बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों के मामले को लेकर मंत्री आतिशी के घर पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम। मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची है क्राइम ब्रांच। आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की तरफ से अब जांच का दौर देखिए शुरू हो गया है और इंक्वायरी अब शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन लोटस 2.0 बीजेपी जा रहा है उसी के मद्देनजर अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी स्टैंड लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने शिकायत की। इंक्वायरी अब शुरू हुई है। कल सीएम आवास पर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। घंटों तक इंतजार करने के बाद सीएम स्टाफ को ही उन्होंने नोटिस की रिसीविंग करवाई और उसके बाद वो वहां से चले गए। आज वो मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंचे हैं क्योंकि मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी डिटेल्स दी थी। सीएम केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था लेकिन मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सारी जानकारियां बताई थी। जो आरोप लगाए थे वो बेहद गंभीर थे और इसी वजह से बीजेपी द्वारा ये कानूनी स्टैंड लिया गया और अब देखिए इंक्वायरी बैठ गई है। अब इंक्वायरी शुरू की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले जी मीडिया पर आप देख रहे हैं जहाँ देखिए किस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मंत्री आतिशी के आवास पर मौजूद है और वो देखिए उनको नोटिस सर्व करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। आप देखिए ये जो इंक्वायरी बैठी है इस इंक्वायरी में किस तरह से मंत्री आतिशी को अपनी भूमिका निभानी होगी, उनको इसके प्रोसीजिंग में कैसे आगे सपोर्ट करना होगा और क्राइम ब्रांच की तरफ से जो जांच की जाएगी, जो पूछताछ की जाएगी उसमें किस तरीके से उनको देखिए बुलाया जाएगा सवालों के साथ या फिर जिस प्रूफ का उन्होंने जिक्र किया था कि एक ऑडियो क्लिप उनके पास है जिसको जल्द ही उनके द्वारा जारी किया जाएगा, उसी सबूत को लेकर भी देखिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अगर उनसे मुलाकात कर पाती है तो वो सबूत उनको सौंपने के लिए कह सकती है। कई तरह की बातें हैं और मुख्य नज़र जो है वो मेन नज़र तो उस सबूत पर ही है, उस ऑडियो क्लिप पर कि जिन विधायकों के पास कॉल गया है वो सारी डिटेल्स अब आम आदमी पार्टी से मांगी जाएगी कि किन किन विधायकों के पास कॉल गया है, उनको अगर खरीदने की कोशिश की गई है तो आखिर किसने कॉल किया, कब कॉल किया, किस तारीख पर कॉल किया है, तो CDR भी निकाली जाएगी और उससे थोड़ा साफ हो पाएगा कि जो दावे किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो देखिए दावे किए गए हैं कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सारे आरोपों को निराधार बताया गया है और ये कहा गया है कि सनसनी फैलाने की बस कोशिश की गई है और इस वजह से ये कानूनी स्टैंड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है। का ये सरकारी आवास है जो कि अलॉट हुआ है लेकिन आतिशी जो है यहाँ पर सिर्फ अपने कैंप ऑफिस में काम के सिलसिले में ही आती है क्योंकि इस बंगले में मनीष सिसोदिया का परिवार रहता है, इसीलिए इसी जगह पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और उनका जो पर्सनल स्टाफ है जो अंदर मौजूद है उनको जो है नोटिस सर्व किया जाएगा और 3 दिन के अंदर उनसे भी जो आरोप लगाए गए थे लोटस ऑपरेशन लोटस 2.0 को लेकर और ऑडियो क्लिप की जो जिक्र किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे जुड़ी जानकारियां जो है वो मांगी जाएगी क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास बीजेपी के नेताओं का एक डेलीगेशन गया था और उन्होंने ये शिकायत दी थी कि उनके ऊपर जो है बेबुनियाद आरोप जो है अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे हैं, लिहाजा इस पूरे आरोपों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसके बाद एक इंक्वायरी जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर करी और ये जांच जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी है। तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार वहां से आपको जानकारियां पहुंचा रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच चुकी है और नोटिस सर्व किया जाएगा अब मंत्री आतिशी को। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है आतिशी और उन्होंने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी दी थी जो मीडिया से वो दौरान बहुत ज्यादा पावर जो है जांच अधिकारी के पास नहीं होती, इसीलिए सिर्फ एक आग्रह किया जाएगा एक नोटिस देकर कि आपने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों की सच्चाई के लिए आपके पास क्या सबूत है, ऐसे कौन कौन से वो 7 विधायक है जिनको 25 करोड़ रुपए का ऑफर किया था उनके बारे में जानकारी दी जाए ताकि उनसे भी हम बात कर सके और उस लोगों के बारे में पता लगाया जा सके जिन्होंने 25 करोड़ का ऑफर दिया था या फिर
बातचीत की थी, सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो एक रिक्वेस्ट वे में ही जो है उनसे जानकारी मांगी जाएगी। और अगर इस नोटिस पे भी कोई जानकारी नहीं देते हैं या फिर तो उसके बाद दोबारा नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी के स्तर पर सिर्फ जो है वो एक जाँच होती है, इसमें किसी को जबरदस्ती या उससे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। सिर्फ तो देखिए कई तरह के सवाल होंगे जिन सवालों का सामना अब आम आदमी पार्टी को करना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से दावे बड़े किए गए हैं और आरोप गंभीर लगाए गए हैं। तो फिलहाल तो नोटिस सर्व करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। ऐसे में देखिए कुछ बहुत ज्यादा तस्वीरें यहाँ से निकल के इतनी सामने नहीं आएंगी, लेकिन हाँ नोटिस जो है वो उनके स्टाफ को सर्व किया गया और उन्हें बताया गया कि इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को दे दी जाए और 3 दिन के अंदर वो इस नोटिस का जवाब जो है वो लिखित में या फिर मौखिक तौर पर क्राइम ब्रांच को दे। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि सरकारी आवास अलॉट है ये आतिशी का, यहाँ पर आई है, यहाँ पर उनका जो है कैंप ऑफिस है, उनको ये नोटिस सर्व कर दिया जाएगा और व्यक्तिगत तौर पर आतिशी से नहीं मिलना चाहेगी, उनसे भी जो है 3 दिन के अंदर जो जानकारी है वो मांगी जाएगी कि अगर वो चाहती है कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे और उसके पीछे जो उनकी सरकार गिराना चाहते थे या 25 करोड़ का। तो देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये मंत्री आतिशी के जो उनको अलॉटेड आवास है उसके बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम अभी मौजूद है। हालांकि देखिए उनसे मुलाकात हो पाती है मंत्री आतिशी से या फिर नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ इस आवास पर मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, उनका परिवार यहाँ पर रहता है और मंत्री आतिशी का ये कैंप ऑफिस है, यहाँ पर काम करने के लिए वो सिर्फ आती हैं। तो देखिए उनसे मुलाकात होती है या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से जो ACP रैंक के अधिकारी वो वहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या वो जिस तरह की तस्वीर कल देखने को मिली आज की मुलाकात की, जो BJP के ऊपर ऑपरेशन लोटस 2.0 के आरोप लगाए थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, तो उसको लेकर ही इंक्वायरी की जा रही है और इन दोनों ही नेताओं से ये क्राइम ब्रांच जानना चाहती है। तो देखिए अब फोकस रहेगा कि दोनों नेताओं स्पेशली CM अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उन आरोपों के पीछे आधार क्या है, जिस आधार का उन्होंने जिक्र किया है यानी जिस सबूत का उन्होंने प्रेस वार्ता में जिसकी जानकारी दी थी, क्या वो क्राइम ब्रांच को जो आरोप लगाए गए थे उससे कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक है, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे ये इंक्वायरी हो रही है। सबसे पहले उन लोगों से पूछा जाएगा जिन्होंने ये आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनसे ही उन 7 विधायकों के बारे में जानकारी ली जाएगी, उन 21 विधायकों के बारे में जानकारी ली जाएगी जिनसे वो BJP के नेता संपर्क में थे। 7 लोगों को तो 25-25 करोड़ रुपये ऑफर करने की बात जो है सार्वजनिक तौर पर आतिशी और अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, उन 7ों से भी बात की जाएगी, उनसे जाना जाएगा कि वो किस तरीके से उनको उनसे जो है संपर्क किया गया था, क्या फ़ोन के जरिए किया गया था या किसी ने मुलाकात करके पैसों का ऑफर दिया था, ताकि इस पूरी इंक्वायरी के बाद ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट है इंक्वायरी रिपोर्ट वो कमिश्नर को दी जाए और ये बताया जाए कि जो आरोप थे क्या वो सही थे या फिर वो आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद थे। तो देखिए शुरुआत तो अब हो रही है CM केजरीवाल और मंत्री आतिशी से ही, क्योंकि इन्होंने ही आरोप लगाए थे और इनको नोटिस सर्व करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अब पहुंची हुई है और इनसे जवाब तलब किया जाएगा कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं उन आरोपों के पीछे आधार क्या है, क्या सबूत है, वो क्राइम ब्रांच को इनको सौंपना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई थी तो साफ तौर पर कहा गया बात करके ये बात जानकारी टेलीफोन के जरिए आतिशी को भी दी जाएगी कि क्राइम ब्रांच की टीम आई है, इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए कुछ जानकारियां चाहिए, वो नोटिस देने के लिए यहाँ ही है। अगर आतिशी व्यक्तिगत तौर पे जो है अपने कैंप ऑफिस में आती है तो उनका इंतजार किया जाएगा, अगर आतिशी बोलती है कि नोटिस जो है उनके स्टाफ को सर्व कर दिया जाए और वो नोटिस का जवाब दे तय वक्त के अंदर दे देंगी तो क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व करके रिसीविंग लेकर जो है यहाँ से वापस लौट जाएगी, क्योंकि अब इंक्वायरी जब इस मामले में शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी जो है अभी इसका दायरा जो है वो दोनों तरफ खुला हुआ है कि अगर इसमें वाकई में ही सरकार गिरा के बाहर खड़े रहे उनकी लगातार कोशिश थी कि मुख्यमंत्री
तो देखिए अपने कैंप ऑफिस में मंत्री आतिशी पहुंचेंगी या फिर नहीं, उनको किस तरह से जानकारी कब दी जाएगी कि क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर मौजूद है और उनके आवास के बाहर उनका इंतजार कर रही है, तो ये भी देखना होगा कि मंत्री आतिशी से उनकी मुलाकात होती है या नहीं, या फिर जो मंत्री का स्टाफ है उनको ही वो नोटिस रिसीविंग दे देते। डेलीगेशन था, बीजेपी के नेता थे, सांसद थे, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुरुवार को मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि उनकी पार्टी को लेकर और नेताओं को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात करके ये जरूर कहा था कि वो भी उनके साथ कमिश्नर के पास चले और एक इंक्वायरी जो है, एक जांच का जो है प्रस्ताव रखे ताकि जांच हो तो ये बात साफ हो पाए कि वो कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाना चाहते हैं, आपके विधायकों की खरीद फरोख में लगे हुए हैं। वो तो कमिश्नर के पास जा ही रहे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी अपने साथ आने के लिए रिक्वेस्ट की थी, ये दावा खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कमिश्नर से नहीं मिले, जिसके बाद बीजेपी के जो नेताओं का एक डेलीगेशन था वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला और उन्होंने जो आरोप लगाए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल और आतिशी के द्वारा, उसकी जांच करने का की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई और इस इंक्वायरी में दोनों ही पक्षों के लोगों से पूछताछ की जाएगी कि वाकई में जो सरकार गिराने की कोई साजिश थी, क्या ऑपरेशन लोटस। तो देखिए दोनों ही पक्षों से अब सवाल किए जाएंगे कि आम आदमी पार्टी से ये सवाल होगा कि क्या आधार है आपके, क्या सबूत है आपके पास, क्या आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, उनका कॉल किया गया है, उसको लेकर सीडीआर भी निकाली जाएगी। वही दूसरी तरफ देखिए जिन पर आरोप लगा है, कहीं ना कहीं अगर सबूत आम आदमी पार्टी के द्वारा दे दिया जाता है तो जांच के घेरे में फिर बीजेपी भी आएगी। बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि वो यहाँ पर आके नोटिस सर्व करेंगे, अगर आतिशी पर्सनली जो है वो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मिलना चाहती है तो उनका इंतजार किया जाएगा, वो आएंगी, उनको जो है नोटिस, क्योंकि जिसके नाम पे नोटिस है उसी को तामील किया जाएगा और नोटिस देने के बाद अगर वो कुछ जानकारी देने के लिए कुछ वक्त मांगती है तो वो वक्त दिया जाएगा, अगर वो फौरी तौर पे ही अगर कुछ जानकारी देती है कि वो कौन कौन लोग थे, कौन कौन से विधायक थे जिनसे संपर्क किया। तो देखिए जब उनको नोटिस सर्व किया जाएगा उसके बाद उनको भी कुछ दिनों का वक्त दिया जाएगा, जैसे सीएम आवास जब कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो फिर उनको वक्त दिया गया है 3 दिन का कि उस नोटिस का जवाब सीएम या तो लिखित तौर पर रहे या फिर वर्बली दे, जिस भी तरह से वो उसका जवाब देना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से मंत्री आतिशी को भी जो नोटिस सर्व किया जाना है उस नोटिस का जवाब मंत्री को देना होगा। अब देखिए उस नोटिस में क्या क्या बातें शामिल हो सकती है, इस पर हमारी नज़रें बनी हुई है, क्या क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, क्या नोटिस में भी कोई सवाल होगा, कोई मंत्री से सबूतों को लेकर मांग की जाएगी कि उन सबूतों को आप कितने दिनों में क्राइम ब्रांच को दें ताकि उस जांच को आगे बढ़ाया जा सके, तो ये भी देखिए देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मंत्री आतिशी क्या अपने अलॉटेड आवास पर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, वो मुलाकात करेंगी क्राइम ब्रांच की टीम से या नहीं करेंगी, ये भी देखिए अपने आप में देखने वाली एक बात है। बाकी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार वहाँ से आपको अपडेट्स पहुँचा रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम कल सीएम आवास पहुंची थी और आज क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है मंत्री आतिशी के आवास पर और उनको नोटिस सर्व करने के लिए वो वहां पहुंचे, क्योंकि मंत्री आतिशी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सारी जानकारियां दी थी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल आया है, उनको 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, उनको ये बताया गया है कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे ये कहा गया है कि उसके बाद दिल्ली की सरकार को गिराया जाएगा। तो ये एक पूरी जो जानकारी का पिटारा था वो मंत्री आतिशी द्वारा ही प्रेस वार्ता में बताया गया था, इस वजह से उनको नोटिस दिया जा रहा है। दूसरा, सीएम आवास कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें जो प्रेस वार्ता में मंत्री आतिशी ने बताई थी, उन्होंने अपने ट्वीट में इन सभी बातों का उल्लेख किया था और उन्होंने बताया कि ईडी की तरफ से जो उनको समन भेजे जा रहे हैं या ईडी की जो जांच चल रही है वो किसी घोटाले की जांच नहीं है, बल्कि वो उनको गिरफ्तार करने को लेकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लेम किया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब पोस्ट किया तो उसमें इन सभी बातों की उन्होंने जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनके विधायकों से ये तक कहा गया है कि 21 विधायकों से और बातचीत चल रही है और जब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बीजेपी आप ज्वाइन कर लेना, आपको
टिकट भी दिलवा देंगे, चुनाव भी लड़वा देंगे, 25 करोड़ रुपए भी दिलवा देंगे। तो इन सब बातों का जिक्र देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है और उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाया जा रहा था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके सभी आरोपों को निराधार बताया है। नोटिस एक बार तामील कर दिया गया, उसके बाद 3 दिन का वक्त जो है दिया जाता है, जिस नोटिस में बाकायदा इस बात को लेकर मेंशन होता है कि 3 दिन में आपको इन बातों का जवाब देना है, क्योंकि ये एक जो इंक्वायरी है वो आपके उन आरोपों के ऊपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है जो कि आपने एक मंत्रियों को लेकर जो सरकार गिराने की साजिश को लेकर आपने बीजेपी के ऊपर लगाई थी, और बीजेपी ने इस बात की शिकायत की है कि ये झूठे आरोप है।